हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक खास टेक्निक आपको सिखाऊंगा जिसकी मदद से आप रो और कॉलम्स को हाइड कर सकते हैं बहुत ही इजीली शॉर्टकट की मदद से। तो शायद शॉर्टकट की के बारे में आपको ना मालूम हो, तो आइए चलिए देखते हैं ये कैसे करेंगे। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2019 वर्जन है। अब यहाँ पर टेक्निक क्या है, देखिए, अगर आपको मैनुअली अगर कॉलम को हाइड करना है तो आप यहाँ पर जाते हैं कॉलम हेडिंग पर, राइट क्लिक करते हैं और फिर यहाँ से हाइड पर क्लिक कर देते हैं, कॉलम हाइड हो जाती है। फिर लेके आना हो तो फिर आप या तो पूरे शीट को सेलेक्ट करें या फिर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से अनहाइड पर क्लिक करेंगे तो ये अनहाइड भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें शॉर्टकट की मदद से करना हो तो कैसे करेंगे, तो यहां पर आप कॉलम हेडिंग पे क्लिक कीजिए और कंट्रोल के साथ आपको प्रेस करना है जीरो बटन। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ जीरो बटन प्रेस करेंगे तो आपकी कॉलम हो गई हाइड, ठीक है। अब रो को हाइड करने की क्या टेक्निक है, रो को हाइड करने के लिए आप क्लिक कीजिए रो हेडिंग पर और आपको कंट्रोल के साथ 9 बटन, ठीक है। तो यहां पर मैं कंट्रोल प्रेस करता हूं और 9 बटन जैसे ही प्रेस करूंगा तो ये देखिए अब इस बार रो जो है गायब हो गई है। 1, 2, 3 दिख रहा है लेकिन 4, 3 नहीं दिख रहा है, 4 दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह से मैं एक बार फिर दिखाता हूँ कॉलम कैसे गायब होगा। ये देखिए सी पर हूं और कंट्रोल के साथ प्रेस किया मैंने 0, तो जैसे ही प्रेस किया तो अभी ए बी तो दिखाई पड़ रहा है लेकिन सी नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसको लाने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और यहां से वापिस से आप कर दीजिए इसे अनहाइड, ठीक है। तो ये आ भी जाएगा और फिर इसी तरह से इसमें भी आपको करना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये हो गया, ये देख सकते हैं आप, ये जो एरो का साइन बन रहा है ये किस तरीके से बन रहा है। अब यहाँ पर राइट क्लिक कर दीजिए और फिर यहाँ से अनहाइड कर दीजिए, ये भी आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।